हाय, मैं उज्मा खान। जायका दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू का चोखा। चोखा ये बहुत ही लोगों की फेवरेट रेसिपी होती है, इसलिए मैंने उन्होंने शेयर करूँ आप लोगों के साथ में। तो मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं इसके लिए, और इनको अच्छी तरीके से बिल्कुल बॉयल कर लिया है और इनको छील लिया है उबाल कर। और हमने इस तरह से बॉयल किया है इनको ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाएँ। अगर कच्चे रहेंगे हमारे आलू तो सही से इनका वो नहीं बनेगा, भरता नहीं बनेगा, इसलिए मैंने छील लिया है उबाल कर अच्छी तरीके से। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने उबाल लिया है। और ये एक सूखी मिर्च ली है, ये बाद में इस्तेमाल करेंगे, बताएंगे कैसे इस्तेमाल करना है इसका। और देखिए मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक लिया है, और मैंने 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक काटा है इसको। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे 1 की जगह 2 हरी मिर्च ले सकते हैं, बारीक काट सकते हैं उसकी। और मैंने यहाँ 5 लहसुन की कलियों को इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बारीक कटा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर इसे कूट लें तो भी सही है। और मैंने बारीक बारीक अदरक को काट लिया है, 1 इंच के अदरक के टुकड़े को इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो टमाटर है इसका हम छिलका निकाल देंगे। ये देखिए उबले हुए टमाटर है, छिलका कितनी आसानी से निकल रहा है। छिलका निकाल देंगे पूरे टमाटर का इस तरह से, ये देखिए आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इन टमाटरों को हमने उबाल लिया है। इस तरह से निकाल देंगे छिलका इनका, दोनों टमाटरों का देखिए। अब देखिए इन टमाटरों को इस तरह से हाथ की मदद से फोड़ देंगे बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल दोनों टमाटरों को इस तरह से कर देंगे। इनको फोड़ के हम आलू में मिला लेंगे। ये देखिए टमाटर मैंने बिल्कुल फोड़ लिए हैं, इसको आलू मिला लेंगे। आलू को भी अच्छे तरीके से फोड़ लेंगे इस टाइप से, बिल्कुल हमें इस तरह से बनाना है चौकी को, बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी मोटा आलू नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल बारीक कर लेना है हमें इसको इस तरह से, बिल्कुल बारीक बारीक फोड़ेंगे इसको। देखिए साथ ही हम जो अदरक है ऐड कर देंगे इसमें, और लहसुन भी ऐड कर देंगे, हरी मिर्च ऐड कर देंगे, और नमक भी ऐड कर देंगे इसमें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। देखिए मैंने भरता बिल्कुल रेडी कर दिया है, बिल्कुल बारीक से इसका वो बना दिया है। ऐसा करेंगे कि हमने सूखी मिर्च ली थी, इसको हम गैस पर रख के भून लेंगे इस तरह से भून लेंगे इसे, ताकि अच्छी से खुशबू आ जाए हमारे भरते में। अब देखिए भून गई बिल्कुल, अब हम इसको सर्व देंगे इसके बीच में भरते के, और इसको एक प्लेट से ढक देंगे। ये देखिए अब इसको एक प्लेट से ढक देंगे करीब 2-3 मिनट के लिए, ताकि जो इसका जो फ्लेवर है मिर्च का अच्छे से इसमें ऐड हो जाए भरते में, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, ज़रूर करेंगे। अब देखिए मैंने 3-4 मिनट के बाद इसको खोला है, अब देखिए इसमें बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है भरते में हमारे। अगर आप चाहें तो ये मिर्च इसमें तोड़कर मिला सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है, वरना इसमें खुशबू अच्छी सी आ गई मिर्च की। आप बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं हमारा चोखा बिल्कुल रेडी हो गया। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच।